अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी विद मिक्स वेजिटेबल। बहुत मज़ेदार बनेगी, आप लोग भी इसी मेथड से ट्राई कीजिएगा। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं शामिल करूँगी आयल। आयल को गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी मोटे प्याज काट के, ज़्यादा बारीक नहीं हमने काटने, मोटे शामिल करें इसमें प्याज काट के। इसको अच्छी तरह हिलाएंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसका हल्का हल्का सा कच्चापन दूर करना है हमने। उसके बाद इसमें मैं शामिल करूंगी टमाटर जो कि मैंने मोटे काट लिए हैं। एक टमाटर को मैंने तीन तीन हिस्से काट लिए हैं। इसमें मैंने दो बड़े साइज़ के टमाटर इस्तेमाल किए हैं। साथ में नमक डाल दूंगी, इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, इसका हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसमें मैं हरी मिर्च शामिल करूंगी, तीन चार हरी मिर्चें काट के। अब मैं इनको निकाल लूंगी एक प्लेट में। इनको मैंने प्लेट में निकाल दिया ताकि इनका भाप निकल जाए इसमें से, और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। अब इस बचे हुए आयल में मैं शामिल करूंगी चार पांच लौंग। साथ इसमें दालचीनी शामिल करूंगी और साथ मोटी इलायची शामिल कर दूंगी इसमें, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना आयल में मिक्स हो जाए अच्छी तरह, ये अपना फ्लेवर चीज़ें छोड़े इसमें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दो खाने के चम्मच कूटी हुई अदरक। इसको अच्छी तरह मैं पकाऊँगी अदरक को। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये पेस्ट जो मैंने लहसुन अदरक और मिर्च और टमाटर का बनाया हुआ था। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका घी जो है ना मसाले का, वो मसाला अपना घी छोड़े। अब इसमें मैं शामिल करूंगी एक खाने का चम्मच हल्दी, एक खाने का चम्मच सूरख मिर्च कुटी हुई। इसको अच्छी तरह मसाले को मैं भूनूंगी ताकि इसका मुकम्मल कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं आलू शामिल करूंगी, दो छोटे साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। इसको मैं डाल के अच्छी तरह आलू को थोड़ी देर के लिए भूनूंगी इसमें। अब इसमें मैं शामिल करूंगी मिक्स वेजिटेबल जिसमें मैंने गोभी गाजर और मटर है इसमें। इसको अच्छी तरह मैं चमचे से मिक्स करूंगी ताकि जो मसाले की ग्रेवी है ना सही तरह से मिक्स हो जाए इसमें। अब मैं इसको अच्छी तरह से चम्मच से हिला के, और इसमें मैं एक चम्मच खाने का ज़ीरा और काली मिर्च शामिल करूँगी, साबुत काली मिर्च। इसको डाम दूँगी थोड़ी देर बाद। इसको मैंने देखा तो सब्ज़ियाँ पक चुकी हैं, ये देखिए सब्ज़ियों ने सारा अपना पानी छोड़ दिया है। इसको हिलाऊँगी मैं ठीक से। ये सब्ज़ियाँ मुकम्मल तौर पे पक चुकी हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर ढाँपने के बाद इसमें शामिल करूँगी पनीर। आप पनीर डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है। देखिए इस पनीर डालने के बाद थोड़ी देर दम देने के बाद इसको मैंने खोला है। मैं प्लेट में इसकी सर्विंग कर रही हूँ। देखिए बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी तैयार है। आप भी इसी मेथड से ट्राई कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।